और आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर। सबसे पहले ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है, ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। दिल्ली और महाराष्ट्र समेत देशभर में आषाढ़ी एकादशी पर कई जगह खास आयोजन हुए। वहीं इस बीच महाराष्ट्र के अकोला में एनसीपी विधायक अमोल मिटकरी एक अलग अंदाज में नजर आए। उन्होंने इस खास मौके पर भजन कीर्तन गाए। ये आयोजन विधायक अमोल मिटकरी के पुष्तैनी गांव कुटासा में हुआ। इस दौरान सभी भगवान विठुराया की भक्ति में लीन दिखे। उन्होंने भगवान विठ्ठल और रुकमाई की पूजा अर्चना की, साथ ही भजन भी गाए। भगवान विठ्ठल को विष्णु का अवतार माना जाता है और आषाढ़ी एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा का खास महत्व होता है। यूपी के आगरा में एक डॉक्टर और एसडीएम की शादी सुर्खियों में आ गई। उन्होंने आम रीति रिवाज से हटकर शादी की। दरअसल डॉक्टर खुशबू की शादी जिला फतेहगढ़ की अमृतपुर तहसील में तैनात एसडीएम रविंद्र सिंह से हुई। इसमें अग्नि की जगह भारत माता की तस्वीर को साक्षी मानकर सात फेरे लिए गए। इतना ही नहीं, वहां सात की जगह आठ वचन लिए गए। शादी के लिए जो कार्ड छपवाए गए थे वो भी दूसरे शादी के कार्डों से बिल्कुल अलग थे। इसमें भी आठवां वचन लिखा गया था। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में एसडीआरएफ का एक बीमार बुजुर्ग की मदद करने का वीडियो वायरल हो गया। दरअसल 62 साल के हयात सिंह को एसडीआरएफ जवान स्ट्रेचर ने लगभग 12 किलोमीटर तक पैदल लेकर अस्पताल पहुंचे। बताया गया कि बुधवार को प्रशासन को सूचना मिली कि मुनस्यारी से लगभग 80 किलोमीटर आगे मिलम ग्लेशियर के पास बोथी गांव में बुजुर्ग हयात सिंह की तबीयत काफी खराब है और उन्हें जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाना जरूरी है, लेकिन बुजुर्ग को सड़क तक लाने के लिए करीब 12 किलोमीटर की पैदल दूरी तय करनी थी और रास्ता काफी कठिन और दुर्गम था। इसके बाद प्रशासन ने एसडीआरएफ को उसकी सूचना दी, फिर उबड़ खाबड़ दुर्गम रास्तों से गुजरते हुए उसके जवान 12 किलोमीटर की दूरी पैदल तय कर मौके पर पहुंचे और समय न गंवाते हुए खतरनाक रास्तों से होते हुए बुजुर्ग को रेस्क्यू किया। इस अभियान में ग्रामीणों ने भी युवाओं का साथ दिया। मुश्किल पहाड़ी रास्तों में मदद करने का ये वीडियो जैसे ही सामने आया तो लोगों ने एसडीआरएफ और ग्रामीणों की तारीफ की। बिहार के भागलपुर में एक ही जगह पर हिंदू और मुस्लिम समुदाय के जोड़ों ने शादी की। दरअसल वहां 51 जोड़ों की शादी के लिए सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया। इसमें 41 हिंदू और 10 मुस्लिम समुदाय के जोड़ों की शादी हुई। इस तरह एक ही जगह शादी के मंत्र और निकाह के अल्फाज गूंजे। इतना ही नहीं, वहीं जोड़ों ने मौलवी और पंडितों से आशीर्वाद भी लिया। इस आयोजन को भाईचारे की मिसाल के तौर पर भी माना जा रहा है। लोगों ने सामूहिक विवाह आयोजन को गरीब और असहाय परिवारों के लिए भी काफी मददगार बताया। यूपी के वाराणसी में सैलानियों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल वहां सावन से पहले वाटर टैक्सी के ट्रायल की शुरुआत हो गई, यानी अब लोगों को शहर की भीड़भाड़ और ट्रैफिक से न केवल निजात मिलेगी बल्कि गंगा के लहरों पर भी सफर करते हुए अपनी मंजिल तक पहुंचने का मौका मिलेगा। इस ट्रायल के बाद प्रशासन इसे हरी झंडी देगा। काशी में फिलहाल 10 वाटर टैक्सी आ चुकी है, जिसमें शुरुआत में 2 ही वाटर टैक्सी चलाई जाएंगी। इतना ही नहीं, इन टैक्सी का इस्तेमाल एम्बुलेंस के तौर पर भी होगा।